ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए चार्टर एक्ट। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जबकि दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थीं। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान घुमंतू ब्रितानी व्यापारी राल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला, और इसी जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतू अंग्रेज सर जेम्स लैंकास्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले आजादी की ओर। तो आइए हम चलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड की ओर, जहां हम आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने प्रादेशिक विस्तार के लिए जारी किए गए चार्टर एक्ट में उल्लेखित धाराओं को समझने का प्रयास करेंगे। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राजलेख। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, जबकि स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पौंड थी और इसमें कुल 217 भागीदार थे। इस कंपनी का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर सहित कुल 26 सदस्य थे, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद नाम से भी संबोधित किया गया, परंतु बाद में इसी परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राजलेख। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के राज्यपालों व उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। वस्तुतः इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या राजलेख। गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित इस राजलेख द्वारा कंपनी के प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, जिसके उपबंधों ने कंपनी के लिए सर्वप्रथम एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया और बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर को संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाकर बंबई व मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। इस एक्ट ने जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस बोर्ड के कुल सदस्य संख्या 24 का 1/4 यानी कि 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, और शासन की समस्त सैन्य व सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उनके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया। परंतु निर्णय प्रक्रिया में निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित रखा। पहली बार इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। साथ ही इसके उपबंधों ने कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वस्तुतः रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, जिसके उपबंधों ने कलकत्ता की सरकार को बंगाल,
बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का प्राधिकार प्रदान किया। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के अब दो स्रोत प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए। इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर किया और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को कुशल और जिम्मेदार बनाया। वस्तुतः इस एक्ट का नाम उस समय ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी, किंतु भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद के निर्णय को ना मानने की शक्ति प्रदान की गई। मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना का सेनापति बना दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान विजयों की नीति पर रोक लगाने से भी संबंधित था, लेकिन उस प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि ब्रिटेन के आर्थिक हितों, जैसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से निकलने वाले तैयार माल के लिए बाजार बनाने और कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज करने के लिए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। यह एक्ट इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च निर्णय शक्ति प्रदान कर दी। यह पहला अवसर था जब कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र कहा जाने लगा। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध और भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1786 का एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार और साथ ही प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के अंतिम दिनों में संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया। यह एक्ट संगठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें पूर्वगामी एक्टों की बहुत सी धाराओं को सम्मिलित करके कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में बंबई और मद्रास के गवर्नर को भी शामिल कर दिया गया, अर्थात बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। वस्तुतः इस एक्ट के द्वारा कंपनी के आर्थिक ढांचे को नियमित किया गया और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों को भारतीय कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। जहां तक इस एक्ट की धाराओं की बात है, तो इसके तहत गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के उन निर्णयों की उपेक्षा करने का अधिकार दिया गया जिनसे भारत में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और अंग्रेजी प्रदेशों के हितों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, और साथ ही न्याय, विधि व कर संबंधी मामलों में काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने के अधिकार से वंचित किया गया। इस एक्ट के तहत प्रधान सेनापति के लिए किसी भी परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इससे पहले प्रधान सेनापति के लिए काउंसिल का सदस्य होना जरूरी था, जबकि गवर्नर जनरल को भारतीय रियासतों के साथ युद्ध और संधि से संबंधित मामलों पर नियंत्रण व निर्देशन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल
गवर्नर, प्रधान सेनापति और कंपनी के उच्च पदाधिकारियों को भारत से बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती थी। यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति लिए भारत से बाहर जाएगा तो उसका त्याग पत्र समझा जाएगा। और जब गवर्नर जनरल किसी प्रांत का दौरा करेगा तो उस समय प्रांतीय शासन प्रबंध गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल के हाथों में होगा। यदि गवर्नर जनरल किसी कारण से बंगाल से बाहर जाता है तो वह किसी भी काउंसिल के सदस्य को अपनी काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर खुले समुद्रों तक कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रिवी काउंसिलर होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। शराब बेचने वालों के लिए लाइसेंस आवश्यक कर दिया गया और गवर्नर जनरल को किसी भी प्रेसिडेंसी में शांति के न्यायाधीश नामक न्यायाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। परंतु शर्त यह रख दी गई कि शांति न्यायाधीश नियुक्ति होने वाला व्यक्ति नागरिक सेवा का अधिकारी अवश्य होना चाहिए। 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी के एक्ट के द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए दिया गया था। यह अवधि 1813 ईस्वी में समाप्त होने वाली थी, अतः कंपनी के संचालकों ने अधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए संसद से प्रार्थना की। परंतु इस एक्ट के पीछे का मुख्य कारण जो था वो यह था कि 1808 ईस्वी के फ्रांस के शासक नेपोलियन ने ब्रिटिश व्यापार के लिए यूरोप महाद्वीप की नाकेबंदी कर दी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के व्यापारिक हितों को बहुत गहरा धक्का पहुंचा था। इसलिए अंग्रेज व्यापारियों ने कहा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी देशवासियों को भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाए। कंपनी का दुर्भाग्य ही था कि उस समय एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवादी सिद्धांत इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय था, अतः वहां का व्यापारी वर्ग कंपनी के एकाधिकार पर तीखे सवाल उठाने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का प्रबल विरोध हो रहा था और साथ ही ईसाई धर्म प्रचारकों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर यह आंदोलन चलाया कि उन्हें भारत में धर्म प्रचार के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। दूसरी तरफ इंग्लैंड से दूर पूर्वी छोर पर लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में युद्ध और विजय की नीति का अनुसरण करते हुए भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार कर चुके थे। अब कंपनी एक व्यापारिक संस्था से कहीं अधिक राजनीतिक संप्रभु बन गई थी, अतः ब्रिटिश संसद को कुछ कानून बनाना आवश्यक हो गया था। इस क्रम में 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख धाराएं या उपबंध कुछ इस तरह से बनाई गईं जिससे कंपनी और ब्रिटिश संप्रभुता के हितों का टकराव न हो सके। अतः इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने की आज्ञा दे दी और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया व सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने का अवसर प्रदान किया गया। परंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी के हाथों में ही सुरक्षित रहने दिया गया। यह सुविधा इसलिए दी गई थी कि वह इन साधनों के आय से अपना भारतीय शासन प्रबंध आसानी से चला सकें। इसी एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई और इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसलिए उन्होंने भारत में अनेक स्थानों पर गिरजाघर, स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए और उनके माध्यम से भारतीयों में धर्म प्रचार किया गया। भारत में ईसाई धर्म और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए यह पहला कदम था। कंपनी ने भारतीयों में शिक्षा प्रसार, उनके साहित्य का उत्थान और विज्ञान के प्रचार के लिए 1,00,000 प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की। इसी एक्ट के प्रावधान ने कंपनी को अपने व्यापारिक खातों व शासन संबंधी खातों को अलग अलग रखने का आदेश दिया और भारत में कंपनी के प्रदेशों की स्थानीय सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार प्रतिपादित किया।
अब भारतीय राजस्व से वेतन पाने वाली ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निश्चित की गई। इसके अतिरिक्त कंपनी को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह भारतीय सैनिकों के लिए कानून व नियम बना सके। अगर हम 1813 के चार्टर एक्ट के महत्व की बात करें तो पूर्ववर्ती अधिनियमों की भांति इस चार्टर एक्ट का भी विशेष महत्व नहीं था। फिर भी यह एकदम महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है। इसके द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण ब्रिटिश प्रजा को भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ब्रिटिश पूंजी और उद्यम के स्वतंत्र आगमन ने भारत में शोषण का एक युग शुरू किया। अंग्रेज व्यापारियों ने अपने बढ़िया व सस्ते माल के बल पर भारतीय व्यापार और उद्योगों को गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद भारत उद्योग प्रधान देश न रहकर कृषि प्रधान देश की ओर उन्मुख होता गया। यह एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कंपनी के प्रदेशों पर वास्तविक सत्ता इंग्लैंड नरेश की हो गई थी। संवैधानिक दृष्टिकोण से यह घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह एक्ट इस श्रेय का अधिकारी है कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों के सैनिक व बौद्धिक उत्थान का दायित्व अपने ऊपर लिया। इसके अतिरिक्त इस एक्ट ने शिक्षा क्षेत्र में कदम उठाने के लिए आधार भी प्रदान किया। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।